जय बाबा बर्फानी की। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाबा की यात्रा 30 जून 2022 से 11 अगस्त 2022 तक चलने वाली है, तो ये क्वेश्चन एंड आंसर का 5वां एपिसोड है। जिस भी भाई ने पुराने उनके कोई डाउट है तो वो मेरे क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज़ देख सकता है, वहाँ पे वो सब क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले एक भाई ने मुझसे पूछा है कि जैसे क्या वो लेट पहुँच सकता है, लाइक उसका रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 5 जुलाई का है, तो वो 6 जुलाई को जा सकता है? जी बिल्कुल जा सकता है, आप लेट जा सकते हैं लेकिन पहले नहीं जा सकते, क्योंकि ये हमारे साथ भी हुआ था। तो लेट पहुंचने पे दिक्कत इसलिए नहीं होती क्योंकि मौसम ख़राब होता है, ये भी एक दिक्कत है, और आप जैसे ट्रैवल करके इतनी दूर से आ रहे हैं तो आप लेट हो सकते हैं। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन 5 जुलाई का है तो आप 6 जुलाई को जा सकते हैं, आपको कोई मना नहीं किया जाएगा। दूसरा ये है कि अगर मेरा रजिस्ट्रेशन गुम हो गया तो मैं क्या करूं, तो उस केस में आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तीसरा ये क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि क्या मैं 2 बार अमरनाथ यात्रा करने जा सकता हूँ तो मेरे को जाने दिया जाएगा? जी बिल्कुल जाने दिया जाएगा, आप 5 बार जाना चाहे 5 बार जाने दिया जाएगा, आपको बस जो यात्रा परमिट है वो हर डेट पे बनवाना पड़ेगा। बट एक बात याद रखिए कि अगर आप बेफालतू में परमिट बनाते हैं तो आप एक यात्री को यात्रा करने से रोक रहे हैं अगर आप नहीं जाते हैं, क्योंकि दिन में सिर्फ 20,000 लोगों को ही यात्रा करने दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर दिया जाता है। तो ये 3 थे। अब एक जगह पूछा गया है कि कहीं पे जो है रजिस्ट्रेशन की फ़ीस 120 दिखा रहा है, कहीं पे 220 दिखा रहा है, तो मैं बता देता हूँ, अगर आप बैंक से रजिस्ट्रेशन कराते हैं जो एडवांस रजिस्ट्रेशन होता है उसकी फ़ीस 120 होती है, अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसकी फ़ीस 220 होती है, अगर आप ग्रुप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसकी फ़ीस 220 होती है, और अगर आप लाइक फॉरेन NRI हैं तो आपकी फ़ीस जो होगी रजिस्ट्रेशन की वो 1520 होती है। तो ये कुछ सवाल थे जिनके डाउट थे लोगों के, वो मैंने क्लियर कर दिए। अब अगर किसी का और कोई डाउट रह जाता है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई कर दूंगा। बार बार वीडियो बनाने से छोटी मोटी चीज़ें रह ही जाती हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हर क्वेश्चन का रिप्लाई करने की मैं पहले कोशिश करूंगा। एक मेन क्वेश्चन है, क्या हेलीकॉप्टर सर्विस चालू हो गई है? जी हेलीकॉप्टर सर्विस अभी चालू नहीं हुई है, हर रोज़ मैं फ़ोन करता हूँ, वो बताते हैं कि 2 दिन बाद हो जाएगी, लेकिन मान के चलिए कि अब होनी ही है, जैसे भी हो SASB ने भी कह ही दिया है, और ये सारी बुकिंग ऑनलाइन होगी, कोई एजेंट के थ्रू नहीं होगी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ सवाल थे, लोगों के डाउट थे, यात्रियों के डाउट थे, जो मैंने क्लियर कर दिए। जय बाबा बर्फानी की। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का।